एवरीवन, वेलकम बैक टू रीनाज रसोई। और दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए भरमा करेले की रेसिपी। ये मैंने करेले अपने माँ के तरीके से बनाए, जिस तरह मेरी माँ बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी लगते थे मुझे। तो आज मैंने उसी तरह अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, जिस तरह मेरी माँ बनाती थी, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इस रेसिपी को पूरा देखिए, फुल वॉच कीजिए, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिए आधा केजी करेला। करेला आपको इसी साइज़ का लेना है, ज़्यादा मोटा वाला नहीं लेना, पका वाला। तो आपको हल्का हल्का इसकी स्किन को उतार देना है, छीलने वाले से नहीं छीलना है, वरना ज़्यादा ही छिल जाएंगे। जितने भी करेले में न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं तो वो सब बाहर निकल जाएंगे। तो आपको इसी तरह से हल्का हल्का स्किन को उतार देना है, और ये जो आगे पीछे ये होते हैं ना हेड एंड टेल, ये इसको थोड़ा सा कट कर देना है, आपको निकाल देना है। उसी तरह मैंने सारे करेले को अपना छील लिया है, और उसके बाद इसमें बीच में कट लगा के इसमें हाथ की सहायता से या चम्मच के जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसकी सहायता से आप सारे बीज निकाल दीजिए इसके। तो इसी तरह मैंने सारे करेलों में कट करके सारे बीज को निकाल दूंगी। और ये देखिए, जो छीलन होती है ना, ये बीज आपको फेंकना नहीं, बाद में यूज होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो रेसिपी आप देखिए, पहले से मैंने बॉयल कर लिया था पानी, तो पानी में करेले को डाल दिया और हल्का सा 2-3 मिनट के लिए स्टीम करना, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और इसमें डाल दिया है मैंने नमक जो छीलन थी, इसको थोड़ा 15 मिनट के लिए रख देंगे। इससे क्या है, जितनी भी कड़वापन होता है सब निकल जाएगा। और देखिए मेरे करेले का कलर भी चेंज हो गया, और बस इतना ही आपको स्टीम करना, ज़्यादा नहीं, बस इसको बाहर निकाल लेंगे, स्टीम हो जाएगा। स्टीम से क्या है कि जल्दी पक जाते हैं करेले, और तेल भी कम लगता है और गैस भी कम खर्च होता है, हो गया है। तो मैंने यहाँ कटे हुए 2 प्याज डाल दिए हैं और 2-3 हरी मिर्च, और इसको प्याज को अच्छे से आपको भून लेना है। भूनने के बाद मैंने यहाँ जो छीलन बची थी उसका पानी निचोड़ के इसमें डाल दिया, इसको भी अच्छे से भून लेंगे, जिससे क्या है इसका सारा कड़वापन ख़त्म हो जाता है। तो आपको इसे अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ डाली है थोड़ी सी हींग, और ये डाला है सौंफ और जीरे का पाउडर, और डाल दिया है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और हल्दी डाल दी है इसमें, और डाल दिया है नमक। सारे मसालों को आपको भून लेना है, ये बेसिक से मसाले हैं। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो ये देखिए अच्छे से भून लिया है मैंने। अब उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी इमली की चटनी, जो मैंने पहले से बना के रखी थी। आप चाहो तो आमचूर पाउडर या कच्चे आम होते हैं उसके छोटे छोटे पीस करके डाल सकते हैं। खट्टापन करना बहुत ज़रूरी है इस मसाले में, खटास से ही करेले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले मेरे सारे भून चुके हैं, मैंने एक प्लेट में निकाल लिया, अब इनको कर लूँगी ठंडा। ठंडा होने के बाद मैंने इसमें सारी स्टफिंग को भर लूँगी करेले में वन बाई वन। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरह से बहुत ही टेस्टी करेला बनते हैं। एक बार ट्राई करना तो बनता है दोस्तों। ऐसे भरवा करेला सबके घर पे बनते हैं, सबका अपना अपना अलग तरीका है। अगर सच मानिए दोस्तों, अगर आपने मेरे तरीके से इस तरह बना लिए ना एक बार करेले और घर पे सबको खिला दिए, तो अपने पुराने वाले जितने भी तरीके हैं सब कुछ छोड़कर आप हर बार इसी तरीके से करेले बनाकर खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना आप। और ये देखिए मेरा मसाला बच भी गया है, इसको यूज करेंगे बाद में। तो ये देखिए मैंने सारे करेलों को अपना भर लिया है, स्टफिंग कर ली है अच्छे से। तो आप चलिए ऑयल गरम कर लेते हैं कढ़ाई में। ऑयल गरम हो गया, उसके बाद ये वन बाई वन सारी करेले को इसमें रख देंगे, और गैस का फ्लेम आपको स्लो ही करना है, क्योंकि जितने धीमे आग में ये धीमे धीमे पकेंगे उतने ही अच्छे कुरकुरे करेला बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए, और थोड़ी ढकने के बाद आप बीच बीच में चेक करते रहिए, इस तरह से फिर से ढकिए और फिर से इसको चलाइए, चलाते हुए पकाना, वरना नीचे जल जाएंगे सारे करेले। और उसे उलट पलट करके इस तरह से आपको सारे करेलों को सेक लेना है, चारों तरफ पलट पलट के सेकना है। और ये थोड़े जब मेरे सॉफ्ट हो गए थे, सेक गए थे करेले, तो उसके बाद मैंने अपना बचा हुआ मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है, मसाला भी सिक जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। ये देखिए करेला मेरे बिल्कुल बन चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया, एकदम से गोल्डन ब्राउन हो गए, सिक चुके हैं अंदर से, बिल्कुल पक गए हैं करेला। ये देखिए आप कलर ही देख लीजिए इसका, जितना अच्छा ये कलर देखने में लग रहा है उतने ही टेस्टी भी लगते हैं खाने। तो करेले को मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है, करेला जितने अच्छे से सेकेंगी उतने ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो आप इस तरीके से करेला एक बार ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिए। हाँ, करेले को आप 8-10 दिन तक फ्रिज में रख के खूब खा सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। करेले को स्टीम करने से क्या होता है कि ये जल्दी से सिक जाते हैं, ऑयल कम लगता है, गैस भी कम खर्च होती है। तो कैसी लगी रेसिपी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।